दीगर खबरों में आपको बताएं कि किसी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीटीए की तमाम कोशिशें बेकार, मखसूस नशस्तें अलॉट करने की दरखास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियती नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकीन का मुत्तफिका फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 22 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि मखसूस नशस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। असेंबलियों की मखसूस नशस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला मुत्तफिका तौर पर सुनाया गया। तहम मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफ किया। नोट में लिखा कि आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट न की जाएं। मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखी जानी चाहिए। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा का कहना है की इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान मुस्ताफी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो उसने जनरल इलेक्शन के मौका पर हमारा मैंडेट चोरी करने के लिए इन गासिब और जाबरतू कुवतों को और इन डाकुओं को फैसिलिटेट किया था। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया था कि किसी भी लिस्ट के लेट होने की बुनियाद के ऊपर किसी भी पार्टी को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गलत फैसला है, आइन की जो हकीकी रूह है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक गौर के लिए पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया है।